सो गाइस, ये रहा इंडिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला मिक्सर, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बेचे जाने वाला मिक्सर हो चुका है। एंड ये है स्टूडियो प्लस का, जो आपके सामने लेके आने वाले हैं। इसकी अनबॉक्सिंग एंड इसके डिटेल्स बताएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, प्रोफेशनल मिक्सिंग कंट्रोलर। एंड यहाँ पे साइड से देख सकते हैं। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग एंड इसके सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं, तो डिटेल में। तो आइए वीडियो में बने रहिए, दिखाते हैं आगे। तो गाइस, आज इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो हम लोगों ने इसको अभी जल्द ही न्यू लिया हुआ है, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई अपने जो मिक्सर है उसके बारे में बताओ, एंड हम भी देखना चाहते हैं कैसा है, इसकी टेस्टिंग भी बताओ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बताने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडियो प्लस का ये मिक्सर है, जिसका आपको सभी को अनबॉक्सिंग दिखाने वाले। बहुत ही अच्छा है गाइस, एंड बहुत ही सस्ते में। इसका प्राइस भी बताने वाले हैं आप सभी को। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसके कुछ डिटेल्स लिखे गए हैं। और यहाँ पे साइड में यहाँ पे लिखा हुआ मेड इन इंडिया। एंड इसके चारों तरफ से आपको इसकी बनावट दिखा देते हैं। एंड यहाँ से तो इसका ऊपरी भाग इस तरीके से दिख रहे हैं। तो इसको हमने करीब हो गया आपको 10 दिन से ऊपर लाए हुए। तो बहुत सारे लोग वीडियो को देखने कहें कि भाई बहुत अच्छा है और हमें भी इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो चाहिए। तो अनबॉक्सिंग वीडियो आ चुका है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं। एंड इसकी चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अभी इसको हम लोगों ने पहले ही ओपन कर लिया था, तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको ओपन कर रहे हैं, देख सकते हैं। एंड इसके भाई जो कलर है एंड इसके जो मिक्सिंग के बटन है, बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही कलरफुल, जो कि देखने में ही बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे साइड से देख सकते हैं फॉर्म लगाए हुए हैं, ताकि इसकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि मार्केट से जब आता है तो बहुत सारा मतलब धक्का ना लगे, खराब ना हो, इसकी वजह से इसको लगाया जाता है। एंड यहाँ पे तो ये देख सकते हैं कच्चा ही है। तो आइए इसको बाहर निकालते हैं, इसके डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। ये कुछ इस तरीके से बाहर आ चुका है, देख सकते हैं। एंड इसकी काफ़ी अच्छी पैकिंग की जाती है। इसमें एक और भी था पनीर, तो इसको हम निकाल चुके हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सो गाइस, इस मिक्सर में जो है हमको सबसे ज्यादा पसंद आया, छोटा है, लाइट वेट है, बहुत ही अच्छा है। एंड इसमें इसके जो कलर्स दिए गए आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे मिक्सर को दिखने में अच्छा लगता है। तो इसके जो कलर दिए गए वो भाई मेरे को बहुत पसंद आया। और आप सभी कमेंट करिएगा इसमें आप सभी को क्या सबसे ज़्यादा पसंद आया। एंड इसके पूरे डिटेल्स के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे इसके वायर से देख सकते हैं, 1.5 मीटर के इसके वायर हैं, इतना लंबा। इसके साइड करके तो यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा इसके वायर जो कि 1.5 मीटर के करीब है। एंड यहाँ पे बैक साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, फ्यूज है इसका। तो यहाँ पे लगा हुआ फ्यूज, एंड यहाँ से इसको सिंपली ऑन ऑफ बटन है। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं सबसे पहले मिक्सर्स में आपको क्या जान रहना था। तो यहाँ पे दिए गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 चैनल, 1, 2 पूरा सीधा सीधा, इसको 8 चैनल का ये मिक्सर। एंड इसमें जो है इसके वॉल्यूम के बारे में आप सभी को बताते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है लिंक और यहाँ पे माइक। तो इसमें जो है आपको डीजे वगैरह अगर चलाना है तो आप इसमें क्या बोलते हैं, इनपुट का लीड लगाएंगे। एंड यहाँ पे अगर आपको माइक चलाने हैं तो आप यहाँ पे इनपुट करेंगे माइक का वायर। एंड यहाँ पे जो इसके वॉल्यूम्स दिए गए हैं आपको इसके बारे में डिटेल देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे इसके वॉल्यूम के बटन है, ये यहाँ पे वॉल्यूम है। एंड यहाँ पे सबसे नीचे आते हैं जो ये है, ये तो पहला और सबसे नीचे वाला दोनों हो गया वॉल्यूम का बटन। एंड दूसरे नंबर पे आते हैं यहाँ ऊपर से। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ बेस। तो यहाँ पे 16 माइनस 16 प्लस, तो बीच में रखेंगे तो ये मीडियम पे है। एंड इधर घटा देंगे बेस, और इधर जो है इसको इस तरीके से एंटी क्लॉक वाइज अगर करेंगे तो यहाँ पे इधर एंटी क्लॉक वाइज, तो ये बेस कम हो जाएगा। एंड क्लॉक वाइज करेंगे तो इधर बढ़ जाएगा। एंड गाइस, तीसरे नंबर पे आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं मिड। तो इसको भी जैसे आप इधर करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 प्लस एंड 10 माइनस, तो आप इधर करेंगे ये वाला है, तो आप इधर करेंगे तो इधर इसका मिड जो बोलते हैं पंच, तो इधर जाएगा। एंड इधर करेंगे तो कम होगा। उसी तरह इस सीधे तीसरे वाले में भी है, चौथे वाले में यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ ट्रेबल, जो आपके झनकार एंड आवाज होते हैं, तो ये इस सेक्शन में आता है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं सबसे खास बात, जो इसके ब्लैक वाले रेड में यहाँ पे लिखा हुआ पिन और आर। तो एल आर मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड है, तो अगर आप
चार स्पीकर या फिर दो स्पीकर लगाएं तो उसमें कुछ राइट एंड लेफ्ट टाइप की आवाज सुनने को मिलेगी। एंड सबसे लास्ट में गाइस आते हैं, आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो यहाँ इको का इफेक्ट है जो कि आप सभी को मालूम ही होगा कि जब हम माइक लगाते हैं तब इसको ऑन किया जाता है। अगर आप इसको डीजे चला रहे हैं तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इसका वॉल्यूम ना बढ़े, नहीं तो आपकी आवाज़ दो तीन बार मतलब घूम के आएगी। तो सिंपली इसका काम यही होता है कि इसको आवाज़ को रिमाइंडिंग करना। इसको देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से रिमाइंडिंग किया जाता है इसको। तो आपने शुरू से दिखाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आवाज़ गेन करने का, एंड दूसरा जो है बेस का, एंड तीसरा है मिड और पंच का, तीसरा है आवाज़ और ट्रेबल का, एंड यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट साइड का ये वॉल्यूम बटन है, एंड यहाँ पे तीसरा जो है हमारे आवाज़ को फिल्टर करने का एंड इफेक्ट का है जो कि डबलिंग और आवाज़ देता है कुछ इस तरीके से, एंड ये है वॉल्यूम बटन। तो इसी तरीके के सारे हैं अलग अलग सेक्शन जो कि 8 सेक्शन हैं इसके। एंड यहाँ पे सिंपली आप साइड में आते हैं, इसके बारे में जानकारी देते हैं आप सभी को। तो सबसे पहले नीचे से आप देख सकते हैं हेडफोन का, जो कि आप सभी ने बहुत देखे होंगे मूवीज़ में, इसमें हेडफोन लगा के जो कि यो करते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये है। एंड दूसरा जो है हमारा देख सकते हैं यहाँ टाइमिंग और बैक का, जो है हमारे आवाज़ को मतलब तेज कम किया जाता है कि कैसा आपको आवाज़ सेट करना है। इसके बारे में आप सभी को इको इफेक्ट के बारे में कभी बाद में बहुत अच्छी तरीके से इसकी डिटेल देंगे, तो अभी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसकी वजह से। तो यहाँ पे एक सेक्शन और है मिनी मास्टर, जिसे आप देख सकते हैं, मिनी मास्टर आप कह सकते हैं इसको। तो यहाँ से देख सकते हैं लेफ्ट राइट साइड है, जिसे मतलब अगर आप दो साइड से स्पीकर चला रहे हैं तो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट का है और राइट का, तो यहाँ पे दोनों वॉल्यूम बटन है इसके सिंपली, एंड यहाँ पे लेफ्ट राइट के इको बटन है, तो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। एंड यहाँ से लेफ्ट राइट के इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, जब आप डीजे चलाते हैं तो इस तरीके से इंडिकेट करके बताता है। एंड सिंपली सबसे ऊपर से आ जाते हैं, आप सभी को दिखाते हैं, ये आउटडोर है, यहाँ से ले जाके आपको इनपुट करना है, यहाँ से सीधे आपको दूसरा जो वायर है आप अपने एम्पलीफायर में लगाने वाले हैं। एंड यहाँ पे रिटर्न वायर कुछ दिए गए हैं, तो यहाँ सबसे पहले की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आप पावर ऑन करेंगे तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा ये LED बल्ब। सो गाइस आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो, एंड गाइस अगर आप सभी को इसके अलावा और भी कुछ जानकारी चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। एंड इसके जो हमारे चैनल्स हैं इसके बारे में अदर वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट वाला टाइप में, तो इसको आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे मिक्सर चलाने के बारे में। एंड ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए था एंड अनबॉक्सिंग वीडियो, तो बहुत सारे लोगों को ये पसंद आया और आई होप आप सभी को भी पसंद आए। तो पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।